ललितपुर नाम के एक गांव में हैप्पी नाम की एक छोटी सी गाय रहती थी। जहां पर सबका रंग सफेद था, वहीं पर हैप्पी गाय का रंग काला था, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करते थे स्कूल में। तुम यहां पर क्या कर रही हो हैप्पी? तुम्हें देखकर तो हमारा मूड सैड हो जाता है, कहीं और जाकर अपना लंच खाओ। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी खाली जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कहीं पर भी खाली जगह नहीं है तो यहाँ पर आओगी क्या? स्कूल के बाहर जाकर खाओ, लेकिन यहाँ पर मत आओ। ऐसे बिना वजह परेशान करने लगते हैं। उसके साथ पढ़ने वाले हो या उसके टीचर हो, सभी लोग हैप्पी को उसके रंग की वजह से एक अजीब ही नजर से देखते हैं। हैप्पी एक होशियार गाय होने के बावजूद भी कोई उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी वजह से हैप्पी का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा है। बताओ बच्चों, तुम में से पानी का फॉर्मूला किसे पता है? इतने सारे बच्चों में से कोई भी जवाब नहीं जानते थे, लेकिन हैप्पी को इस बात का जवाब पता था और वो जवाब देने भी चाहती थी, लेकिन टीचर उसे कुछ कहने ही नहीं देती है। तुम रहने ही दो हैप्पी, हर बात पर मैं करके बकरी की तरह हाथ उठाती रहती हो, दूसरे बच्चों को भी कुछ कहने का मौका दो। लेकिन टीचर जी, मुझे जवाब पता है, इस क्लास में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए सब शांत बैठे हैं। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने दिमाग पर? काली हो फिर भी हर बात में टांग अड़ाती हो, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। ऐसे हैप्पी को बिना वजह बार बार क्लास के बाहर निकला जाता है। एक दिन परेशान होकर हैप्पी स्कूल जाने से ही मना कर देती है। इतना अच्छा पढ़ने वाली हैप्पी स्कूल क्यों नहीं जाने की जिद कर रही है कहकर माँ बाप परेशान होते है। क्या बात है बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें स्कूल में? मुझे स्कूल में सभी लोग काली है कहकर चिढ़ा रहे हैं। ना कोई मुझसे बात करते हैं और ना ही टीचर को मुझे पढ़ाना पसंद है, इसीलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है माँ। बस इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो बेटा? तुम होशियार हो, तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने काम से काम रखो। तब भी अगर तुमसे कुछ कहे तो उनसे ऐसा जवाब दो कि वो तुमसे भी ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है कहकर अपनी माँ की बातों से प्रभावित होकर ऐसा ही बर्ताव करती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज अपना काला हाथ क्यों नहीं उठा रही हो हैप्पी? तुम्हें तो हर बात का जवाब पता होता है ना? मुझे जवाब पता है टीचर जी, लेकिन आप में से किसी को भी ये सुनना नहीं होता है ना? तो मैं जवाब देकर अपनी कैलोरीज क्यों वेस्ट करूं? इसी जुबान तो कैची बन गई है, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। पता है आप यही कहोगे, मेरे माँ बाप इसी बात की तो फीस देते हैं ना, मुझे स्कूल के बाहर खड़ा करने के लिए। सिर्फ मेरा रंग काला है कहकर सबने मुझे तमाशा बना दिया है। टीचर को हैप्पी की बातें कुछ ज्यादा ही नीचा दिखा देती है, इसलिए वो हैप्पी को सीधे हेडमास्टर के ऑफिस में ले जाकर क्लास में सबको परेशान करती है, बुरी बातें कहती है और पढ़ाई भी नहीं करती है कहकर झूठी बातें कहती है वो टीचर। इसीलिए मैं इसे और नहीं पढ़ा सकती हूँ हेडमास्टर जी, इसे आज के आज ही स्कूल से निकाल दीजिए। टीचर हैप्पी के बारे में इतना सब कह रही थी और हैप्पी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह रही थी। वो सब बड़े ध्यान से देखकर हेडमास्टर ऐसे कहता है, टीचर जी मुझे देखिए, मैं भी एक ब्लैक हूँ और मैं यहाँ पर बैठकर दिन भर मूंगफली नहीं खाता हूँ। हर क्लास में एक कैमरा है, मैं दिन भर आपके सभी हरकतें देखता रहता हूँ,
एक बच्ची का रंग सिर्फ काला है कहकर कैसे बर्ताव कर रहे हो तुम सब, और बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। ऐसे कहते हुए हेडमास्टर उस टीचर को स्कूल से निकल देता है और पूरे स्कूल को एक बार अच्छी चेतावनी देते हैं, दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए कहकर। उसके बाद सभी बच्चे हैप्पी के साथ हैप्पीली रहते हैं। जंगमपुर नाम के एक गांव में हड़प सिंह नाम का एक धनवान बैल रहता था। हड़प सिंह उस गांव का इकलौता धनवान है। उसके अलावा बाकी के सभी लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करने वाले ही है। हड़प की ये सारी संपत्ति साड़ियों से उसके पुरखों से एक के बाद एक वारिस को मिलती आ रही है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी हड़प सिंह एक पैसा का भी गमन नहीं दिखाता है और सबके साथ अच्छे से ही रहता है। क्या बात है लल्लू काका, आप दो दिन से मुझे काम पर नजर नहीं आ रहे थे, सब ठीक तो है ना? उम्र हो गई है ना साहब जी, थकान की वजह से काम करने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए ऐसी छुट्टियां लेना पड़ रहा है। हाँ लल्लू काका, आपकी उम्र तो हो गई है, आप हमारे पिताजी के समय से ही इस घर की सेवा कर रहे हो, अब आपको आराम करना चाहिए। ऐसे कहते हुए हड़प सिंह उस बैल को वो और उसकी अगली पीढ़ी बैठ कर खा सके इतने पैसे यूं ही दे देता है और कहता है ये बात उन दोनों तक ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हड़प सिंह ने उसकी इतनी मदद की है। ऐसा है हड़प सिंह, उसी गांव में हर काम से अपना मुंह फेरते हुए सुबह से शाम तक सिर्फ वक्त बर्बाद करने वाला एक बैल भी रहता है, उसका नाम कल्लू बैल है। यू कब तक छोटे बच्चे की तरह गांव की गलियों में भटकता रहेगा, कुछ तो काम कर ले और अपने भविष्य के बारे में सोच। मुझे पता है पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपकी उम्र हो गई है, अब आप और मेहनत नहीं कर सकते हो, इसीलिए मुझे काम पर बेचने की सोच रही हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू इतना नालायक निकलेगा, लेकिन मुझे अब किसी बात की फर्क नहीं पड़ता है, साहब जी ने मुझे इतने पैसे देकर हमेशा के लिए काम से आजाद किया है, वो पैसों से मैं और मेरी पत्नी बहुत ही बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तुम अपनी फिक्र खुद ही करो। एक बार में ही लल्लू बैल ऐसे कहते ही उसके नालायक बेटा की सारी हवा निकल जाती है और वो अपने भविष्य को लेकर डरने लगता है और आखिर में ना चाहते हुए भी अपने पिता से मदद मांगता है। तीखे कहकर लल्लू बैल हड़प सिंह से बात करके उसके बेटे को काम देने को कहता है। इसमें पूछने वाली क्या बात है लल्लू काका, आपका बेटा आपकी जगह पर काम करेगा, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है। ऐसे कहते हुए हड़प सिंह कल्लू बैल को काम पर रख लेता है। कल्लू बैल लल्लू बैल का बेटा है, इसलिए हड़प उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और कल्लू को अपने घर की पूरी जिम्मेदारी देता है। कल्लू, ये पैसे ले जाकर पैसे वाले कमरे में रख दो और अच्छे ताला लगाकर चाबी अपने पास ही संभाल कर रखना, तुम्हें वहाँ पर दिन में 10 बार जाना पड़ सकता है। ठीक है कहकर उस कमरे में जाने के बाद कल्लू बैल की आंखें उतने सारे पैसे देखकर फट जाती है और कल्लू बैल के मन में सबसे पहले यही बात आती है, इतने सारे पैसे हैं यहाँ पर, अगर मैं इनमें से हर रोज थोड़े से उठा भी लूँ तो समंदर में से बूंद गायब होने जैसे होगा। बस ऐसे कहते हुए कल्लू बैल पर इतना भरोसा करने के बावजूद भी कल्लू बैल अपनी आदत नहीं भूलता है,
और ऐसे चोरियां करने लगता है। देखते ही देखते कल्लू बेल छोटा सा धनवान बन जाता है। वो देखकर सबको शक होता है कल्लू बेल पर। मुझे तो ऐसी लग रही है साहब जी, आपको उसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। चोरी करता तो मैं माफ कर देता, लेकिन विश्वासघात की सजा तुम अच्छे से जानते हो, इसीलिए पहले जाकर लल्लू काका से कहो कि मुझे उनसे बात करनी है। ऐसे हड़प सिंह लल्लू बेल को बुलाकर पूछता है कि उसने अपने बेटे को उसे दी हुई संपत्ति में से कुछ दिया था क्या। तब लल्लू बेल साफ शब्दों में कहता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं दिया था और जरूर कोई गलत काम ही कर रहा है। अगर ऐसा किया तो उसे पूरी सजा देने को कहता है। ठीक है लल्लू काका, कल सुबह आप घर के पास आ जाना। अगर आपके बेटे ने विश्वासघात किया तो उसकी सजा मौत ही होगी। ऐसे कहते हुए सबको बुलाकर कल्लू बेल से सवाल पूछने पर सबके सामने नाटक करता है वो, लेकिन जोर देकर पूछने पर अपनी गलती मान लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं जो कुछ भी लिया है वो सब लौटा दूंगा और बदले में मैं सारी जिंदगी मुफ्त में काम करूंगा। मुझे फंसी मत लगाओ। बात पैसों की नहीं है, अगर तुम मांगते तो मैं तुम्हें आधे गांव की जमीन लिख कर दे देता, और अगर चोरी भी करते तो मजबूरी में या सपने पूरी करने के लिए चोरी की होगी कहकर माफ कर देता। लेकिन तुमने मेरे भरोसा का फायदा उठाया है, विश्वासघात किया है,